डॉक्टरों को भगवान का रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर मरते हुए इंसान को जिंदगी देते हैं। अब कलयुगी डॉक्टर का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप दुहाई देने लगेंगे। ये मामला है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का, जहां आजकल बुलडोजर खासी चर्चा में है। जरा सी वारदात पर वहां बुलडोजर का एक्शन हो जाता है। लेकिन आज फिर एक चर्चा हो रही है जो है चित्रकूट के जिला अस्पताल की, जहां जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री के सामने डॉक्टरों ने ऐसा खेल खेला कि कोई भी इस खेल को समझ नहीं पाया। निरीक्षण करने के लिए अस्पताल पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह के सामने डॉक्टर एक मृत महिला का इलाज करते रहे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब डॉक्टरों ने मंत्री जी के हाथों मृत महिला के परिजनों को फल भी वितरित करवा दिए। अब आप जरा सोचिए कि किसी के परिवार में एक महिला की मौत हो जाती है और उस दौरान उसके परिवार को फल बांटे जा रहे हैं, फोटो खिंचाए जा रहे हैं, आखिर क्या बीत रही होगी उस परिवार पर। इस मामले की और डॉक्टरों की पोल तब खुली जब एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मंत्री जयवीर सिंह को इस पूरे मामले की सच्चाई बताई। सच्चाई सुनकर मंत्री जी के पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। ये सुनकर मंत्री जी बिल्कुल बौखला गए और दोबारा उसी कमरे में जा पहुंचे जहां डॉक्टर ने उस मृत महिला का इलाज किया था। डॉक्टरों से पूछताछ करने लगे। पहले तो सीएमओ महिला के मरने की बात से इनकार करते दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि महिला की मौत हो चुकी है। इसके लिए मंत्री साहब ने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने जिलाधिकारी को मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले से आप क्या समझते हैं? अगर वो जनप्रतिनिधि नहीं होता और मंत्री जी दोबारा उस कमरे में नहीं जाते तो शायद ये खेल कभी समझ ही नहीं आता, क्योंकि जिला अस्पताल में आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में जैसी देखभाल होती है वो सबको पता है। और अगर ऐसे जनप्रतिनिधि या फिर ऐसे लोग सच्चाई को सामने नहीं लाएंगे तब तक डॉक्टरों की मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी। या फिर यूं कहें कि ये जो ऐसे मामले सामने आ गए हैं, ना जाने ऐसे कितने ही मामले ऐसे होते हैं जिनमें लापरवाही की बात सामने आती है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनहित आवाज को।